Let's start with question number five. It said factorize x cube minus टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू तो अब हम इसको factorize कैसे करेंगे जबकि ये हमारा कौन सा type of polynomial है It is a cubic polynomial. Last case में हमने देखा था कि वो एक quadratic polynomial था तो हमने उसमें middle term splitting कर दी थी बट यहाँ पे ऐसा पॉसिबल नहीं होगा क्यों क्योंकि ये क्यूबिक टाइप है तो क्यूबिक टाइप में हमें कौन सा मेथड यूज़ करना है वी हैव टू यूज़ हिट एंड ट्रायल मेथड हिट एंड ट्रायल मेथड में क्या होता है कि एक सबसे पहला फैक्टर तो हमें खुद ही निकालना पड़ेगा मतलब ट्राई करना पड़ेगा वन टू थ्री से या नेगेटिव नंबर से कि हाँ किसी वैल्यू पे ये ज़ीरो हो जाए तो वो इसका फैक्टर हो जाएगा तो जैसे कि आप चेक कर सकते हो एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो पर देखते हैं कि हमारा पॉलिनॉमल क्या बन जाता है सो इट विल बी ज़ीरो क्यूब माइनस टू ज़ीरो स्क्वायर माइनस ज़ीरो प्लस टू अब देखो फर्स्ट थ्री तो ज़ीरो हो गया लेकिन लास्ट में हमारा टू है इसका मतलब ज़ीरो तो हमारा फैक्टर नहीं हो सकता अब हम वन से ट्राई करते हैं एक्स इक्वल्स वन पे तो इट विल बी पी वन पी वन पे क्या हो जाएगा वन क्यूब माइनस टू वन स्क्वायर माइनस वन प्लस टू और फर्स्ट वैल्यू आपकी क्या हो गई वन सेकेंड हो गई टू नेक्स्ट हो गई माइनस वन लास्ट हो गई टू टू से टू कैंसिल वन से वन कैंसिल सो आपका आंसर क्या आ गया ज़ीरो इसका मतलब हमारा x इज इक्वल टू वन एक फैक्टर है और अगर ये फैक्टर है तो हमारा एक तरीके से ये फैक्टर क्या बन जाएगा x माइनस वन इज़ इक्वल टू ज़ीरो इसका मतलब x माइनस वन आपका फैक्टर है अब हम क्या करेंगे इसी वैल्यू को हम पॉलिनॉमल से डिवाइड कर देंगे इस पॉलिन से एक्स माइनस वन को डिवाइड कर देंगे ताकि हमारे दो दूसरे पॉलिनॉमिल्स आ सके सॉरी दो, दो दूसरे फैक्टर्स आ सके तो आप डिवाइड करते हैं हम ताकि हमें दो फैक्टर्स मिल सके एक्सटेंड होके सो माइनस टू एक्स हुआ माइनस एक्स प्लस टू डिवाइड किस से करोगे एक्स माइनस वन से अब यहाँ पे डिवीजन कैसे करी जाती है वो मैं आपको समझा देती हूँ सबसे पहले देखो x है और यहाँ पे क्या है एक्स क्यूब तो कौन से नंबर से आप एक्स को एक्स क्यूब बना सकते हो तो मतलब एक्स स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा हमें करना क्या है बाहर x है और अंदर फर्स्ट टर्म आपकी क्या है एक्स क्यूब आप सोचोगे कि कौन से नंबर से हम इसको x को मल्टीप्लाई करें कि ये एक्स क्यूब बन जाए तो एक्स स्क्वायर से करोगे अब इस एक्स स्क्वायर को फर्स्ट टर्म से भी मल्टीप्लाई करो एक्स क्यूब आ गया एक्स स्क्वायर को वन से भी मल्टीप्लाई करो तो माइनस एक्स स्क्वायर ठीक है एक्स स्क्वायर वाली जो टर्म आएगी वो एक्स स्क्वायर के नीचे ही लिखनी है आपने अब आपको पता है डिवीजन में हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो सब्ट्रैक्शन होगी और सब्ट्रैक्शन के केस में ये हमारा ऑपोजिट हो जाता है तो ये पॉजिटिव हो गया एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो गया अब यहाँ पे आप इसको रीड कैसे करोगे माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो माइनस करें तो माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा नेक्स्ट आप माइनस एक्स प्लस टू को एज इट इज़ नीचे उतार दो। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म आपकी एक्स है यहाँ पे फर्स्ट टर्म आपका माइनस एक्स स्क्र है तो ये सोचो कि एक्स को हम माइनस एक्स स्क्वायर कैसे बनाएंगे तो माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया अब माइनस एक्स को आप एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा माइनस एक्स एक्स को माइनस एक्स को आप माइनस वन से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस एक्स ये तो प्लस हो गया इसलिए कैंसिल हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा तो इसको रीड कैसे करोगे माइनस एक्स माइनस एक्स इसका कोई रोल नहीं है आप माइनस एक्स माइनस एक्स तो ये माइनस टू एक्स हो गया प्लस टू अब ये सोचोगे कि, कि एक्स को माइनस टू एक्स से मतलब माइनस टू एक्स में कैसे कन्वर्ट करें तो इसका मतलब माइनस टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सो माइनस टू एक्स प्लस टू प्लस है टू एक्स से टू एक्स कैंसिल माइनस है टू में से टू गए ज़ीरो तो आपके पास एक न्यू पॉलिन आ गया जैसे कि आप देख सकते हो वो कौन सा टाइप है क्वाड्रेटिक टाइप है तो क्वाड्रेटिक टाइप में से हमें कितने फैक्टर्स मिल जाते हैं दो फैक्टर्स मिल जाते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू को हम मिडल मिडल टर्म स्प्लिट कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमिल है और क्वाड्रेटिक पॉलिन को आप मिडल टर्म स्प्लिट कर सकते हो तो यहाँ पे वन है यहाँ पे टू है वन और टू को मल्टीप्लाई करो टू के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं टू और वन ही हो सकते हैं और टू और वन को आपको ऐसे यूज़ करना है कि आपका माइनस वन आंसर आए तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस एक्स माइनस टू फर्स्ट टू में से आप क्या कॉमन ले लोगे एक्स लास्ट में से वन कॉमन ले लो और आपके पास दो फैक्टर्स और आ गए एक्स प्लस वन एंड x माइनस टू तो कंप्लीट कितने फैक्टर्स हो गए हमारे तीन तो आप देख रहे हो कि क्यूबिक पॉलिनॉमल के हमारे तीन फैक्टर्स आ रहे हैं तो अब आप इसको एंड में कैसे लिखोगे एक्स क्यूब माइनस टू एक्स हुआ माइनस एक्स प्लस टू जो गिवन पॉलीनॉमल था वो किसके इक्वल है सबसे पहला फैक्टर एक्स माइनस वन दूसरे फैक्टर्स एक्स प्लस वन एक्स माइनस टू तो ये आपका कंप्लीट आंसर है फर्स्ट पार्ट का अब हम मूव करते हैं सेकेंड पार्ट पे लेट्स नाउ स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर टू सेकेंड पार्ट आई मीन ऑफ क्वेश्चन नंबर फाइव सो इट्स एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्सक्वा माइनस नाइन एक्स माइनस फाइव तो सबसे पहले हमें हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करना है सबसे पहले हमें फर्स्ट फैक्टर निकालना है ताकि हम आगे प्रोसीड कर सकें और दो नेक्स्ट फैक्टर्स निकाल सकें तो आई थिंक माइनस वन पे ये हमारा ज़ीरो हो जाना चाहिए तो एक बार चेक करते हैं माइनस वन की वैल्यू प्लेस करके यहाँ पे तो ये हो गया आपका माइनस वन क्यूब माइनस थ्री माइनस वन स्क्वायर माइनस नाइन माइनस वन माइनस फाइव फर्स्ट टर्म कितनी हो गई माइनस वन सेकेंड टर्म कितनी हो गई माइनस थ्री थर्ड टर्म कितनी हो गई नाइन लास्ट टर्म कितनी हो गई माइनस फाइव माइनस वन माइनस थ्री माइनस फोर और नाइन में से फाइव गए फोर फोर में से फोर गए ज़ीरो तो इसका मतलब वन ऑफ द फैक्टर इज़ माइनस वन और इसको आप लिखोगे कैसे एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो लेफ्ट साइड पे ले जाओगे इसका मतलब एक्स प्लस वन किसका फैक्टर हो गया इस पॉलीनॉमिल का गिवन पॉलीनॉमिल का अब हमें क्या करना है हमें डिवाइड करना है इस पॉलिनॉमिल से सो so, पॉलीनॉमिल है एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्सक्वा माइनस नाइन एक्स माइनस फाइव एक्स प्लस वन से अब यहाँ पे देखो पहली टर्म x है पहली टर्म यहाँ पे एक्स क्यूब है एक्स को एक्स X क्यूब कैसे बनाएंगे स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके तो फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर हो एक्स क्यूब हो गई सेकेंड टर्म क्या हो जाएगी एक्स स्क्वायर को वन से भी करना है तो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस हो गया ये भी माइनस हो गया एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल माइनस थ्री तो यहाँ पे हमारा क्या टर्म आएगी माइनस फोर एक्स स्क्वायर यहाँ पर माइनस नाइन एक्स माइनस फाइव तो आपको एक्स को आप माइनस फोर एक्स स्क्वायर बनाना है तो माइनस फोर एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो ठीक है माइनस फोर एक्स पर आ गया अब इसी फोर एक्स को आपने वन से भी मल्टीप्लाई करना है तो माइनस फोर एक्स यहाँ पे भी आ जाएगा ये प्लस हो गया ये भी प्लस हो गया ये कैंसिल हो जाएंगे माइनस नाइन प्लस फोर कितना हो गया 5X. अब आपने एक्स को फाइव एक्स बनाना है तो आप क्या करोगे प्लस फाइव से मल्टीप्लाई ये कितना हो गया आपका माइनस और ये कितना हो जाएगा आपका सॉरी दिस इज माइनस फाइव एक्स तो यहाँ पे भी आपका माइनस फाइव आएगा तो माइनस फाइव एक्स माइनस फाइव यहाँ पर भी माइनस फाइव और ये प्लस हो जाएगा तो ये माइनस फाइव एक्स हमारा प्लस से कैंसिल हो जाएगा तो ये ज़ीरो हो गया और ये भी ज़ीरो हो जाएगा तो लेफ़्ट ओवर क्या हुआ हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस फाइव जिससे कि हम दो और फैक्टर्स निकाल सकते हैं अब यहाँ पे फाइव है और वन है तो फाइव इंटू वन फाइव ही होता है फाइव के फैक्टर्स क्या होते हैं फाइव इंटू वन फ़ाइव इंटू वन को हम आसानी से माइनस फोर एक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं कैसे लिखेंगे माइनस फाइव एक्स प्लस एक्स माइनस फाइव इसको हमने स्प्लिट करके लिख दिया और आंसर चेक कर लेना कि फेम आना चाहिए ऊपर वाला तो ये एक्स स्क्वायर हो गया माइनस फाइव एक्स कॉमन ले लेते हैं फर्स्ट टू टर्म्स में से तो एक्स आ जाएगा और बचा क्या ब्रैकेट में एक्स माइनस फाइव लास्ट टू में से वन कॉमन ले लो एक्स माइनस फाइव अब आपके पास बचा क्या एक्स माइनस फाइव और एक्स प्लस वन सो यू कैन सी दैट वी हैव नॉट टू मोर फैक्टर्स दो और आ गए तीसरा तो था ही पहले से मतलब पहला तो था ही हमारे पास वो था एक्स प्लस वन तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा एक्स प्लस वन दो बार है x माइनस फाइव एक बार है और अगर आप इसको और सिंप्लीफाई करके लिखना चाहो तो x प्लस वन का होल स्क्वायर लिख दो और x माइनस फाइव लिख दो बस तो ये हो गया आपका सेकेंड पार्ट अब मूव करते हैं थर्ड पार्ट पे सो थर्ड पार्ट इज एक्स क्यूब प्लस थर्टीन एक्स स्क्वायर प्लस थर्टी टू एक्स प्लस ट्वेंटी तो अब यहाँ पे अगर हम नोट करें एक बात तो यहाँ पे अगर मैं कोई पॉजिटिव वैल्यू डाल दूँ जैसे वन डाला तो सारी वैल्यूज हमारी ऐड हो रही है इसका मतलब कोई ज़ीरो तो आएगा ही नहीं टू डालोगे और बड़ी वैल्यू हो जाएगी थ्री डालोगे और बड़ी हो जाएगी तो हमें कोशिश करना है कि हम चेक करेंगे माइनस वन से चेक करते हैं कि ये माइनस वन पे ज़ीरो देता है या नहीं देता तो सबसे पहले माइनस वन की वैल्यू प्लेस करके देखते हैं पॉली में सो माइनस वन का क्यूब माइनस वन थर्टीन इंटू वन थर्टीन थर्टी टू इंटू माइनस वन एट विल बी माइनस थर्टी टू लास्ट हो गया आपका ट्वेंटी थर्टीन में से वन गए ट्वेल्व ट्वेल्व में से थर्टी टू गए माइनस ट्वेंटी और माइनस ट्वेंटी प्लस ट्वेंटी विल बी ज़ीरो इसका मतलब माइनस वन हमारा फैक्टर हो गया और अगर हमारा एक्स इज़ इक्वल टू माइनस वन फैक्टर है तो हमारी वैल्यू क्या डिविजिबल हो जाएगी एक्स प्लस वन मतलब हम अपने पॉलिनोमियल को x प्लस वन से डिवाइड करेंगे तो हमें दो और फैक्टर्स आसानी से मिल जाएंगे अब हम एक्स क्यूब प्लस थर्टीन एक्स स्क्वायर प्लस थर्टी टू एक्स प्लस थर्टी को डिवाइड करते हैं तो x है हमारे पास बाहर और अंदर x क्यूब है x को x क्यूब कैसे बनाएंगे एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके इसी एक्स स्क्वायर को आपने सेकेंड टर्म से भी मल्टीप्लाई करना है तो एक्स स्क्वायर को वन से करोगे तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर ये माइनस हो गया ये भी माइनस हो गया थर्टीन में से वन गए तो थर्टीन में से वन गए तो ट्वेल्व एक्स स्क्वायर बचा नेक्स्ट वैल्यू आपकी थर्टी टू एक्स है लास्ट वैल्यू आपकी थर्टी है एक्स को आप ट्वेल्व एक्स स्क्वायर कैसे बनाओगे उसमें ट्वेल्व एक्स मल्टीप्लाई करके तो ये हो जाएगा ट्वेल्व एक्स स्क्वायर ट्वेल्व एक्स को आप वन से भी मल्टीप्लाई करोगे तो ट्वेल्व एक्स अब हमने साइन चेंज करना तो ये माइनस का हो जाएगा ये भी माइनस का हो जाएगा थर्टी टू में से ट्वेल्व गए ट्वेंटी 20, 20x एक्स और लास्ट में हमारे पास कितना बचा थर्टी तो यहाँ पे हमारी कुछ वैल्यू कैंसिल होगी आई थिंक दिस इज़ ट्वेंटी जस्ट अ सेकेंड यहाँ पे ये यह हमारी ट्वेंटी और हमने क्या करना है आप X को ट्वेंटी एक्स बनाना है तो ये कितना हो गया ट्वेंटी सो ट्वेंटी एक्स प्लस ट्वेंटी अब हम क्या करेंगे लास्ट स्टेप हमारा क्या है साइन चेंज करना तो ट्वेंटी एक्स में से ट्वेंटी गए जीरो ट्वेंटी में से ट्वेंटी गए जीरो तो हमारे पास जो सेकेंड पॉली आया है वो क्या आया है एक्सक्र प्लस ट्वेल्व एक्स प्लस ट्वेंटी इसमें से दो और फैक्टर्स आ जाएंगे आपके पास दो और फैक्टर्स कैसे आएंगे स्प्लिट कर दो मिडल टर्म को तो मिडल टर्म्स ट्वेंटी है मतलब वन और आपका सी ए और आपका सी ट्वेंटी हो जाएगा मल्टीप्लाई होके okay? और ट्वेंटी के कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिससे कि हम ट्वेल्व बना लें तो ट्वेंटी के फैक्टर्स होते हैं आपके टेन इंटू टू तो टेन इंटू टू से आपका आसानी से ट्वेल्व बन जाएगा तो आप क्या लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस टेन एक्स प्लस टू एक्स प्लस ट्वेंटी फर्स्ट टू में से क्या कॉमन ले लोगे एक्स प्लस टेन सेकेंड लास्ट में से क्या कॉमन लोगे टू और यहाँ पे क्या बचा आपके पास एक्स प्लस टेन तो दो फैक्टर्स और हो गए आपके एक्स प्लस टेन एंड x प्लस टू तीन फैक्टर्स कौन से हो गए आपके x प्लस वन फर्स्ट ये सेकेंड ये थर्ड इसका मतलब जो आपका पॉलिनोमियल है उसको आप कैसे लिख सकते हो यू कैन राइट इट एज x प्लस वन इन ब्रैकेट x प्लस टेन इन ब्रैकेट अगेन और लास्ट आपका क्या बचा x प्लस टू तो ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन अगर आप करोगे तो आपको वापस से यही वैल्यू मिल जाएगी लेफ्ट साइड वाली नेक्स्ट पार्ट करते हैं फोर्थ पार्ट करते हैं लास्ट पार्ट है इसका सो दिस इज टू वाई क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू वाई माइनस वन तो यहाँ पे तो मेरे को समझ आ रहा है कि किसी पॉजिटिव वैल्यू पे भी मेरा जो पॉली है वो नेगेटिव हो जाएगा तो वन चेक करते हैं सबसे पहले टू वन माइनस सॉरी प्लस वन स्क्वायर माइनस टू वन माइनस वन अब यहाँ पे हम इसको सिम्प्लीफाई करेंगे तो पहली टर्म हमारी कितनी है टू सेकेंड टर्म वन थर्ड टर्म माइनस टू लास्ट टर्म माइनस वन वन से वन कैंसिल टू से टू कैंसिल आपका आंसर कितना आ गया ज़ीरो इसका मतलब मेरा वन फैक्टर है एक्स इज इक्वल टू वन नहीं एक्स नहीं आएगा यहाँ पे हमें किस बात करनी है कौन से वेरिएबल की बात करनी है y की तो y इज इक्वल टू वन और y माइनस वन इज़ इक्वल टू ज़ीरो अब हम क्या करेंगे फर्स्ट फैक्टर आ गया फर्स्ट फैक्टर से पॉलिनॉमिल को डिवाइड कर देंगे तो ये है हमारा टू वाई क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू वाई माइनस वन और y माइनस वन से आप डिवाइड करने वाले हो तो y माइनस वन से आप डिवाइड करोगे तो y को हमें सबसे पहले टू वाई क्यूब बनाना है तो क्या लिखोगे टू वाई स्क्वायर और इस वाली वैल्यू को हम फर्स्ट टर्म से भी मल्टीप्लाई करते हैं सेकेंड से भी करते हैं तो जब सेकेंड से करोगे तो वो क्या बन जाएगा माइनस टू वाई स्क्वायर ये हो गया माइनस ये हो गया प्लस ये कैंसिल वाई स्क्वायर प्लस टू वाई स्क्वायर इस थ्री वाई स्क्वायर थ्री वाई स्क्वायर कैसे क्रिएट करोगे वाई को आप थ्री वाई स्क्वायर बनाना चाहते हो तो ये हो जाएगा थ्री वाई से थ्री वाई स्क्वायर और थ्री वाई को आप माइनस वन से भी मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बी माइनस थ्री वाई माइनस आ जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे प्लस टू वाई माइनस टू माइनस टू वाई प्लस थ्री वाई कितना हो जाएगा वाई और वाई माइनस वन बचा तो देखो एक्जैक्टली सेम वैल्यू है ये वाली भी और ये वाली भी इसका मतलब आप इसको वन से मल्टीप्लाई कर सकते हो तो आपका ये माइनस में ये प्लस में ये कैंसिल और बचा क्या आपके पास ज़ीरो अब आपके पास एक न्यू पॉलीनॉमिल आ गया क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमिल तो उसको हमें मिडल टर्म स्प्लिट करना पड़ेगा तो पहली वैल्यू देखेंगे लास्ट वैल्यू देखेंगे उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टू इंटू वन तो टू ही होगा टू के ऐसे फैक्टर्स जिससे कि हम थ्री बना सकें तो टू का एक ही फैक्टर होगा टू इंटू वन या वन इंटू टू तो इसको हमें ऐसे ओपन करना है कि थ्री वाई आ जाए तो टू वाई स्क्वायर प्लस टू वाई प्लस वाई प्लस वन इसको हमने ओपन कर दिया जस्ट और सेम होना चाहिए इसका आंसर फर्स्ट टू टर्म्स में से आप क्या कॉमन लोगे टू वाई और आपके पास बचा क्या वाई प्लस वन लास्ट टू में से आप क्या कॉमन लोगे वन और बचा क्या आपके पास ब्रैकेट में वाई प्लस वन तो दो फैक्टर्स हो गए आपके एक हो गया वाई प्लस वन दूसरा हो गया आपका टू वाई प्लस वन तीन फैक्टर्स आ गए तीन फैक्टर्स को हम लिख देंगे इस फॉर्म में ये हो जाएगा वाई माइनस वन दूसरा आया था आपका वाई प्लस वन तीसरा आया था आपका टू वाई प्लस वन तो ये आपका आंसर हो गया लास्ट पार्ट का येस वी आर डन विद एक्सरसाइज टू पॉइंट फोर वी विल स्टार्ट विद टू पॉइंट फाइव इन द नेक्स्ट वीडियो